फिर आप इसे अपने बाकी बॉडी एरिया पे यूज, एक परफ्यूम की तरह है कि बाकी एयर रिमूवल स्प्रे से अलग के लिए, लेकिन वेट अभी आपको ये, और इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा, टिश्यू पेपर लो और हल्के से बाल हटा के देख, स्किन पे इतना ज्यादा हार्श। नमस्ते दोस्तों, मेंस हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हर 3-4 महीने में कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, कोई नया ब्रांड आ जाता है, और ऐसे ही एक नया प्रोडक्ट मंगा लिया है मैंने, न्यूड का हेयर रिमूवल स्प्रे। अब ये हेयर रिमूवल स्प्रे बाकी हेयर रिमूवल स्प्रे से अलग कैसे है, क्या इफेक्ट्स हैं इसके, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कितनी देर में बाल हटा देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप इसे अपने इंटीमेट एरिया पे यूज कर सकते हो। सबर करो सब बताऊंगा भाई, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप मत कर देना। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करते हैं, इस पंप टाइप की बॉटल में आता है, कोई स्पैचुला साथ में नहीं दिया है भाई इसके। और ये हेयर रिमूवल स्प्रे बाकी हेयर रिमूवल स्प्रे से अलग कैसे है, देखो सबसे पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट है। देखो आपने बाकी हेयर रिमूवल स्प्रे देखे होंगे, ज्यादातर वो थोड़ा क्रीम फॉर्म में निकलते हैं, जैसे कि झाग जैसे निकलते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। दूसरा डिफरेंस क्या है, बाकी हेयर रिमूवल स्प्रे जैसे डिओड्रेंट की तरह होते हैं, आपने एक बार दबाया और निकलते ही चले जाएंगे, लेकिन इसे एक बार दबाने से एक बार स्प्रे होता है। तो जैसे समझ लो कि ये एक परफ्यूम की तरह है कि एक बार दबाया और स्प्रे हो गया। अब इसका फायदा क्या है, देखो कई बार हमें कम हेयर रिमूवल स्प्रे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, छोटी जगह पे लगाना है, तो इसका फायदा यह कि ये थोड़ा सा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि दबाया और निकलता ही चला गया। अब यूज कैसे करना है, देखो आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, घर पे आ गया, अब आप तैयार हो अपने जंगल हटाने के लिए, लेकिन वेट अभी आपको यह सब नहीं करना, अभी पहले आपको करना है एक पैच टेस्ट। पैच टेस्ट क्या होता है भाई, अपने एल्बो के इनसाइड पार्ट पे, मतलब कि यहाँ पे आपको इसे स्प्रे करके छोड़ देना है 24 घंटे तक, देखना है कोई रेडनेस तो नहीं होती, कोई इचीनेस तो नहीं होती, कोई दाने वगैरह तो नहीं निकल जाते, कोई रिएक्शन तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर आप इसे अपने बाकी बॉडी एरिया पे यूज करने के लिए रेडी हो। देखो भाई कोई भी नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, स्पेशली हेयर रिमूवल स्प्रे, यूज करने से पहले आपको एक पैच टेस्ट करना जरूरी है, वरना आप इसे अपनी बाकी स्किन पे लगा लो और बहुत सारे रिएक्शन हो जाए। उससे बेटर यह है कि आप थोड़े से एरिया पे पहले इसे लगा के देख लो। एडवाइस अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाओ। अब जब आपने पैच टेस्ट कर लिया तो इसे यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो बॉटल को अच्छे से शेक करो, उसके बाद अपने जिस भी एरिया से आपको बाल हटाने हैं वहां पे इसे आराम से स्प्रे कर लो, बहुत ही आसानी से स्प्रे हो जाएगा। इसकी डिफिकल्ट बात यह है कि अगर आप इसे उल्टा करके स्प्रे करने की कोशिश करोगे तो यह प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यह पंप टाइप की बॉटल में आता है, परफ्यूम जैसा है, इसलिए अगर उल्टा कर दोगे तो भाई स्प्रे बाहर ही नहीं आ पाएगा। उसके बाद 10 मिनट तक आपको वेट करना है, कोई शॉर्ट वीडियोस या रील्स देख लो, वैसे कोई डिफरेंस तो है नहीं दोनों में। और इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा खराब नहीं है, अच्छी स्मेल है, इनफैक्ट ये इसका सबसे मेजर प्लस पॉइंट है भाई। मैंने जितने भी हेयर रिमूवल स्प्रेज यूज करे हैं ना, उनमें से सबसे अच्छी स्मेल इसी प्रोडक्ट की है। थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है, थोड़ा सा गरम गरम सा लगता है, क्योंकि ये स्प्रे अपना काम कर रहा है। 5 ही मिनट में आप देखोगे कि आपके बाल जो है हल्के हल्के डिसॉल्व होने लग गए हैं, अपना काम करना ये शुरू हो गया है। और अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो फिर आप एक टिश्यू पेपर लो और हल्के से बाल हटा के देखो, अगर बाल हट रहे हैं तो वेरी गुड, आप सारे बाल हटाते चले जाओ, अगर बाल नहीं हट रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, थोड़ी सी देर और छोड़ दो, 5 से 7 मिनट तक और छोड़ दो, लेकिन मैक्सिमम आप इसको मेरे हिसाब से 10 से 12 मिनट तक छोड़ो, उससे ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट को अपनी स्किन पे। और देखो अगर आपने सारा प्रोसेस ठीक से फॉलो किया है तो आपके बाल आसानी से हट गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं भाई ये बाल परमानेंटली नहीं हटे हैं, 1 से 1.5 हफ्ते में ये बाल वापस आ जाएंगे, देख लो जैसे कि मेरे भी आ गए हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो पर्सनली कोई भी साइड इफेक्ट्स मुझे तो नहीं मिले, कोई रेडनेस नहीं हुई, कोई इचनेस नहीं हुई। इसका रीजन शायद ये भी है कि भाई देखो इसके अंदर नीम ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, लेमन ऑयल, चमोमिल, जजोबा ऑयल, ऐसे टाइप के इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं जिनकी वजह से शायद ये आपकी स्किन पे इतना ज्यादा हार्श नहीं है जैसे बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं। एमआरपी है डब्बे पे 290, मैंने इसे 229 रुपए का मंगाया था अमेजोन से, तो प्राइस में भी ठीक है। 100 ml की बॉटल आपकी, अगर आप इसको सिर्फ अपने हाथों पे यूज करते हो तो आई थिंक ये 4 से 5 बार चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे फुल बॉडी हेयर रिमूवल के लिए यूज कर रहे हो तो आई थिंक 2 बारी तो चली जाना चाहिए। लाख रुपए का सवाल भाई, क्या इसे आप अपने इंटीमेट एरिया पे यूज कर सकते हो? नहीं, नहीं यूज कर सकते हो, और इस पे लिखा भी है कि आप इसे अपने फेस, आर्मपिट्स और इंटीमेट एरिया पे नहीं यूज कर सकते हो। ये अच्छी बात है, कंपनी ने बताया है कि भाई देख लो, लिख के दे रहे हैं, मत यूज करना, क्योंकि भाई इन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये एरियाज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन एरियाज पे इन केमिकल्स को लगाने से कुछ डैमेज भी हो सकता है, तो समझो बात को, यूज नहीं करना है। फिर भी कई लड़के कमेंट्स में लिख देते हैं भाई हम तो यूज कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है भाई, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, आप तो करो, हमने तो मना किया था। तो अगर आपको भी कहीं से अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं तो आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट्स में भी मिल जाएगा।